नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे एंड आई एम योर मेंटोर और शिवान्श भसीन आज की मार्केट कितनी बढ़िया गई है आप लोगों को पता ही होगा एंड सारे के सारे ट्रेड्स हमारे बहुत बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करे हैं आप लोगों को मैंने बताया था अदानी पोर्ट्स बाय करने के लिए आज के तारीख़ को एंड मैंने बोला था कि हम लोगों ने भी बाय कर रखा है हम लोग बी टी एस ट्रेड लेकर गए हुए हैं कुछ फ्यूचर्स में उठा रखे हैं कुछ हम लोगों ने कैश सेगमेंट में उठा रखे हैं और आज आप अदानी पोर्ट की मूवमेंट को चेक करिए ये है अदानी पोर्ट की मूवमेंट एंड आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया तरीके से इसने यहाँ पर हम लोगों को प्रोवाइड करवाया ये देखिए एक स्ट्रॉ कैंडल प्रोवाइड करवाई ब्रेकआउट एक्सैक्ट ब्रेकआउट क्लियर ब्रेकआउट एक का एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट एंड वहां से एक शार्प अप मूव हमें देखने को मिली है इसके अलावा और भी स्टॉक्स बताए थे जैसे कि टाटा एलेक्सी बताया था आप लोगों को यस टाटा एलेक्सी अगर आप चेक करेंगे एक सेकेंड टाटा एलेक्सी को देखिएगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपने पॉइंट से थर्टी पॉइंट्स तक ऊपर जाने में ये कामयाब हुआ है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थर्टी पॉइंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी स्टॉक्स थे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एल की एल भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फोर्टी पॉइंट्स तक ऊपर गया था अपने हाई से मतलब जो उसका हाई था उससे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नॉट फोर्टी पॉइंट सेवेंटी पॉइंट्स तक ऊपर गया था एंड यहाँ पर भी हमारे टारगेट्स अचीव करे थे बट अभी भी हम लोगों ने जो हेजिंग स्ट्रैटेजी बना रखी है अभी भी वी आर स्टिल होल्डिंग एंड हमें लगता है कि अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है चलिए बात करते हैं कि आज कौन से स्टॉक्स पर हमें ट्रेड करना है और कल किस तरीके से हम लोग पैसा और अच्छे तरीके से कमा सकते हैं ठीक है बात करते हैं सबसे पहले स्टॉक की जो कि आता है टीवीएस मोटर्स टीवीएस मोटर्स की मैं बात करूंगा एंड आपको यहां पर क्लियर वे में मैं दिखाना चाहूंगा कि एक डाउन ट्रेंड चैनल के अंदर काम कर रहा है एक डाउन ट्रेंड चैनल के अंदर काम कर रहा है एंड प्लस अगर आप यहाँ पर देखेंगे सो so सबसे पहले अपमूव एक क्लियर फॉल आया उसके बाद दोबारा एक अपमूव आ रहा है और एक दोबारा फॉल हमें देखने को मिल रहा है ठीक है, यहां पर आप एक चीज समझ सकते हैं देखिएगा अगर मैं थोड़ा सा ज़ूम आउट करता है आप स्टॉक के पैटर्न को एंड आप कैंडल स्टिक को समझने की कोशिश करिएगा ओके ये देखिएगा फर्स्ट वाली जो हमारी कैंडल थी जो हमारी ये वाली कैंडल थी इससे प्रीवियस वाली कैंडल एग्जैक्ट इस पॉइंट से लेट मी मेक इट फॉर यू एग्जैक्ट इस पॉइंट से हम लोगों ने देखा था एक बाइंग आई थी आपने देखा एक बहुत शार्प फॉल आया एग्जैक्ट इस बात से एक बाइंग हमें देखने को मिली है एंड इसके बाद वही इस लेवल से एक शार्प कैंडल को और फॉल आया सो so, अगर कल ये इस लेवल को ब्रेक करके नीचे जाती है और रीटेस्ट करके फिर नीचे जाती है यू कैन गो फॉर शॉर्ट आई थिंक बढ़िया टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर एक्सिस बैंक का स्टॉक का नाम है ओके अगर हम बात करें कैफली पॉइंट की क्याप्ली पॉइंट पे आप क्लियर बेसिस पे देख सकते हैं इस पे जो एनालिसिस मैं कर रहा हूं वो मैं आपको ब्रीफ में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी इसके ऊपर अगर जो मैंने बना रखी है बट आप थोड़ा सा समझेगा अगर आप बेसिक भी समझ जाएँ आप समझेगा कि ये स्टॉक काम कर रहा है एक शार्प अपमूव ठीक है उसके बाद एक चैनल के अंदर ही काम कर रहा है आप देख रहे हैं एक चैनल के अंदर ही रेगुलरली ट्रेड कर रहा है और चैनल के एग्जैक्ट टॉप पे है ठीक है अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो एक आपको मूविंग एवरेज दिख रही होगी जो कि 50 डेज एक्सपोनेंशियल सॉरी 120 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की है जो कि मैं जनरली किसी किसी स्टॉक्स में यूज करता अब इसका जैसी ब्रेकआउट आता है एक बढ़िया बाइंग हमें देखने को मिल सकती है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर और मुझे लगता है कि एक बढ़िया रिटर्न दे सकता है और ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट देने में कामयाब हो सकता है और ये शायद आपके पोर्टफोलियो में भी आ सकता है मुझे पता है कि ये मेरे पोर्टफोलियो में है और मैंने एवरेजिंग कर रखी है मैंने इस लेवल पर भी बाय करा था शायद ये ये जो ब्रेकआउट हुआ था इस ब्रेकआउट पे भी मैंने बाय करा था और एग्जैक्ट इस लेवल पे भी मैंने बाय करा ये वाली कैंडल देख रहे हैं इस कैंडल पे भी मैंने बाय करा है सो मेरा एवरेजिंग कुछ अराउंड इन बिटवीन बेटर है बट मैंने यहां ज्यादा क्वांटिटीज बाय करी थी तो मेरा एवरेज थोड़ा सा नीचे बेटर, और एक्चुअल में मैं, मैं प्रॉफिट पे ही हूँ ठीक है सो so, ये पर्टिकुलर स्टॉक भी आप लोग बाय करके डेफिनेटली चल सकते हैं नेक्स्ट स्टॉक इस भारतीय एयरटेल ऑल टाइम फेवरेट जो कि आप लोगों को कल भी प्रोवाइड करवाया था आज हम लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं डेफिनेटली ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ऑलमोस्ट दस रुपये की मूवमेंट इस कैन इस पर्टिकुलर स्टॉक ने दी है एंड यस वी आर स्टिल होल्डिंग दिस पर्टिकुलर ट्रेड हम लोगों ने भारतीय एयरटेल को अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है एंड आई थिंक ये शायद बढ़िया रिटर्न कल तक या परसों तक दे सकता है अगर नहीं भी देता है गाइस अब ये इतना ज़्यादा गिर चुका है और एक बेस बना चुका है आप पॉइंट समझेगा लेट मी शो यू एक फॉल आया फॉल आने के बाद क्या हुआ इसने एक बेस बना दिया है ठीक है अब इस बेस का ब्रेकआउट देगा ना तो इसे कहते हैं ड्रॉप बेस रैली क्या होता है ड्रॉप बेस रैली सो अगर ये बनता है तो बहुत बढ़िया रिटर्न्स ये दे सकता है एंड ये yes, खुद पर्सनली मैंने एक फ्यूचर होल्ड करके रखा हुआ है एंड यहां पर मैंने प्रोवाइड भी करवा रखा है आप लोगों को इस पर आप बाय बना के चल सकते हैं ओके सो लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट टॉक दैट इज जी एन एफ सी आज हम लोगों ने खुद बाय करा है हेवी क्वांटिटीज में बाय कर रखा है इस पर्टिकुलर ट्रेड को क्लाइंट्स को भी बाय करवा रखा है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम लोगों ने बाय करवाया था थ्री हंड्रेड एंड टेन के आसपास एंड ये थ्री हंड्रेड एंड सेवनटीन तक भी गया था बट वी आर स्टिल होल्डिंग एंड जो हमारे टारगेट्स हैं वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थ्री फोर्टी के टारगेट्स हैं ठीक है आप देख सकते हैं सिंपल क्या हुआ यहाँ पर भी सिम्पल टाइप ऑफ सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है एक अपमूव उसके बाद एक रेंज के अंदर ही काम करने लगा एंड इस रेंज का ब्रेकआउट इसने इस लेवल से दे दिया है आप देख सकते हैं इस लेवल से ब्रेकआउट दे चुका है प्रीवियस जो जो भी ब्रेकआउट कैंडल 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 थी उसके बाद नीचे वाली वाली अगली रीटेस्ट करा फिर लास्ट आज बनी है उसने दोनों कैंडल का ब्रेकआउट देके ऊपर क्लोजिंग करी है दैट्स द गुड साइन एंड आई थिंक ये पर्टिकुलर स्टॉक बहुत टाइम में दो तीन दिन के अंदर या एक हफ्ते के अंदर बढ़िया रिटर्न दे सकता है सो so, बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की जो कि एक सेल साइड में दोबारा है एक्सिस बैंक ये भी आज मैं फ्यूचर शॉर्ट करने के बारे में सोच रहा था बट हमारे लेवल्स तक नहीं आया ये पर्टिकुलर ट्रेड मतलब फ्यूचर्स पे लेवल पे नहीं आया यहाँ पे भी हम मान के चल सकते हैं कि शॉर्ट इनिशिएट हो चुका है बट फ्यूचर्स की बात करा करें तो यहाँ पर शॉर्ट इनिशिएट नहीं हुआ है अभी तक ठीक है अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेडर हैं तो आप सिक्स के आसपास अगर नीचे जाता है उसके नीचे तभी आप शॉर्ट कर सकते हैं लेट मी शो यू लेट मी क्रिएट अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड आप देख सकते हैं इसने 61 वन लेवल का ब्रेकडाउन करा देखिए सबसे पहले ब्रेकडाउन करा तो हम मान के चल सकते थे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस था यहाँ रेजिस्टेंस था तो सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया उसके बाद दोबारा ही कैंडेल ने सपोर्ट लेकर ऊपर गया अब दोबारा नीचे आया है ठीक है तो अगर ये लेवल कल ब्रेक हो जाता है मतलब अगर एक दो रुपए भी नीचे जाने स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली ये दोबारा 655 तक आ सकता है यानी कि बीस रुपए की, की गिरावट ये कर सकता है एंड uh, इसका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अराउंड बढ़िया प्रॉफिट आप इसमें जमशन लगा के चल सकते हैं एंड आई पर्सनली थिंक ये आपको बढ़िया रिटर्न देकर जा सकता है तो ये पांच स्टॉक्स थे जिसके बारे में मैंने आप लोगों के सामने एनालिसिस प्रेजेंट करिए खुद एनालिसिस करिए डिस्क्लेमर देना चाहूंगा गाइज एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है सिर्फ ये नहीं है कि मैं आप लोगों को ट्रेड के लिए बोल रहा हूं तो आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करके मेरे ऊपर ट्रेड ले लेना ले इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर डू योर ओन रिसर्च जब तक मैं हंड्रेड परसेंट श्योरिटी नहीं देता तब तक आपको खुद ट्रेड नहीं करना है ओके okay? सो so बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की बहुत बढ़िया प्रॉफिट अर्न कर रहा है थ्रू ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन सेलिंग के थ्रू जो हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स थे उसके थ्रू ऑप्शन सेलिंग के थ्रू बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट अर्न करा है हम लोगों ने एंड लेट मी शो यू निफ्टी पे भी हम लोगों ने फ्यूचर्स के थ्रू अर्न करा है थोड़ा सा एंड uh, आप देख सकते हैं देखिए एक फॉल आया फॉल आने के बाद एग्जैक्ट इसी लेवल पर रिटेस्ट एंड अ स्ट्रेट टारगेट टू इट्स प्रीवियस सपोर्ट एक रेंज का ब्रेकआउट यहां पर मैं बाय करने के लिए सोच रहा था एंड क्लाइंट्स को भी बताने वाला था कि बाय करो बट टाइम ज्यादा नहीं था तो मैंने मतलब इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहता था मैं बाय साइड में मैं चाह रहा था कि कल भी मार्केट साइडवेज ही रहने वाली है मतलब दो दिन तक मार्केट शायद साइडवेज रहा उसके बाद अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करे एंड साइडवेज का ही हमें फायदा उठाना है ठीक है क्योंकि अभी भी हमारे पास ऑप्शन सेलिंग में है सो तो अगर साइडवेज मार्केट होती है अगर ट्रेंड ज़्यादा बुलिश या ज्यादा बिरिश नहीं होता तो हम लोग बहुत बढ़िया प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं ठीक है सो so, अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा देखिए ब्रेकआउट तो हो चुका है ब्रेकआउट होने के बाद अभी मैंने वन मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करा है ठीक है वन मिनट पे मैं किसी को भी अपॉर्चुनिटी या सलाह नहीं दूंगा कि ट्रेड करिए बट मैं कुछ अलग फैक्टर्स के साथ ट्रेड कर रहा हूं तो इसी बेसिस पे मैं आप लोगों से कहूंगा कि वन मिनट पे आप ना करिए मेरा कुछ अलग रीजन है मैं कुछ अलग बिहेवियर को देखकर करता हूं तो उसी के बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया ओके सो लेट्स मूव टू फिफ्टीन मिनट्स टाइम फ्रेम एंड फिफ्टीन मिनट्स टाइम फ्रेम पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है एक शार्प फॉल उसके बाद एक आप देख सकते हैं एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है एंड अगर इस लेवल को ये ब्रेक करके नीचे जाता है अ क्लियर शॉर्ट पोजिशन आप इनिशिएट कर सकते हैं लेट मी टेल लेटमील थर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज का अगर लेवल ब्रेक करता है और एक कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज करती है देर इज अ शॉर्ट पोजिशन और इसको बहुत अच्छे लेवल्स तक लेकर आ सकता है ऑलमोस्ट तीन सौ चार सौ पॉइंट तक गिरा सकता है ठीक है बट मैं सलाह ये दूंगा जो मेरे माइंड में बात आ रही है कि शायद वो इसी रेंज के अंदर अंदर, अंदर कंसोलिडेट करे ठीक है यहां से अपमूव करे इस लेवल तक जाए उसके बाद दोबारा नीचे आए फिर ऊपर जाए इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करे एंड सिमिलर बेसिस पे वो पोजिशन बना सकता है या तो क्या कर सकता है ड्रॉप बेस रैली या ड्रॉप बेस ड्रॉप ठीक है तो वो बात तभी करेंगे जब ब्रेकआउट आइदर साइड आएगा या ब्रेक डाउन आएगा ठीक है सो आई थिंक मैंने आप लोगों को कंफर्म कर दिया होगा इस चीज के बारे में लेट्स मूव टू निफ्टी एज वेल निफ्टी पे भी हम लोगों ने जो ट्रेड लिएट मी शो यू जस्ट वेट अ निफ्टी में शायद हम लोगों ने किस लेवल पे लिए थे ओके आई हैव टू आई हैव टू चेक दैट लेवल ठीक है यहीं पर ही था मतलब सेवन हंड्रेड के ऊपर ही हम लोगों ने सेवन एट सिक्स एट्टी सिक्स या उसके आसपास ही लिया था हम लोगों ने फ्यूचर्स पे ठीक है बट uh, कोई बात नहीं ज्यादा उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करते हैं बट आप यहाँ पर क्लियर बेसिस पे देख सकते हैं क्या हुआ यहाँ पे एक सिंपल अगर आप अपनी थोड़ी सी साइकोलॉजी को यूज करिएगा स्टॉक नीचे आया स्टॉक ऊपर गया ठीक है उसके बाद इसने क्या करा उसने अपने प्रीवियस हाई को जो भी इसका प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक नहीं करा ठीक है उसके बाद वो दोबारा नीचे आया दोबारा नीचे आया एंड उसके बाद ये दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है सो वट पतला अभी क्या तरीके का फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है अगर मैं आप लोगों को बताऊं हाई तो लोअर बन रहा है ठीक है हाई लोअर बन रहा है अभी अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं तो हम मान के चल सकते हैं कि चलिए एक कपन हैंडल का ब्रेकआउट होगा अगर इससे ब्रेकआउट देता है तो हम लोग बाय कर सकते हैं बट बाय तभी कर सकते हैं जब प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आएगा मतलब अगर इसका ब्रेकआउट आता है फोर्टीन थाउजेंड सेवन एट्टी का ब्रेकआउट आता है ऑन निफ्टी देन द टारगेट शुड बी अराउंड फोर्टीन थाउजेंड एट एट्टी मतलब सौ रुपए की रैली आराम से दे सकता है अगर ये 780 का ब्रेकआउट देता है ओके? Okay? सो so, अगर ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देता है सिक्स थर्टी या सिक्स ट्वेंटी का सो so आपके टारगेट्स वही हैं जो हम लोगों ने कल डिसाइड करे थे आपको पता है ऑलरेडी कि मैंने बोला था इसके रेड लाइन के नीचे आपको कल बोला गया था अगर ब्रेकडाउन आता है फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट्स होंगे ये हमारे और अगर इस ब्लू लाइन के ऊपर जाता है फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट होंगे हमारे ये तो ब्लू लाइन के भी ऊपर गया फर्स्ट टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गया रेड लाइन के नीचे आया हमारे दोनों टारगेट्स अचीव हुए इसी के बेसिस पे हम लोगों ने प्रॉफिट्स अर्न करे हैं ठीक है जो आप लोगों को पढ़ाया गया है वही अप्लाई करा गया है इसी के बेसिस पे हम लोग अपनी एनालिसिस को कंटिन्यू रखते हैं ये सीरीज पसंद आ रही है तो गाइज इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा थाउजेंड लाइक्स का एम रखते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलिए लेट्स एम फॉर अ वन लाख सब्सक्राइबर्स एंड लेट्स प्रे फॉर अ सिल्वर बटन जो कि मुझे मिल पाए एंड मैं उसी के साथ आप लोगों को और एजुकेशनल कंटेंट्स प्रोवाइड करवाते रहूँ एंड इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो पे मैं शिवान बसीन तब तक के लिए बाय बाय